सरप्राइज दट रियल मी जो इतने सारे फोन लॉन्च करती है दिस इज दियर फर्स्ट एवर स्मार्टफोन विद स्नैप्रेगन एट सेवनटी दिस इज द जी टी नियो टू इवन दो लॉन्च इन इंडिया लेट दिस दीज आर सम्पेसिफिकेशन दैट यू शुड वरी अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्नैप ड्रेगन एट सेवेंटी है फाइव जी प्रोसेसर है अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलेगी ग्रीन कलर भी मिलेगा एंड सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल कैमरा एंड ऑल दट स्ट ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन समोस इन दिस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट एज वेल सच एज

फील कि कलर का प्रायोरिटी इतना नहीं होना चाहिए so, तो जीटी नियो टू ले सकते हो बट अरवाइज बिल्ड क्वालिटी मेजर डिफ्रेंस नहीं है बट स्टिल्स प्रीमियम्स जीटी नियो टू एंड प्लस नॉट टू बट वन प्लस नॉट टू है बिग एडवांटेज की यह छोटा डिवाइस है हल्का है मतलब हाथ में जब पकड़ोगे तो समझता है कि इट्स नॉट बाय आर ह्यूज मार्जिन बट स्टिल इट इज नोटिसेबल इन माई ओपिनियन इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में नाउ जी टी ओ टू एज वेल एज द आईको सेवन क्लेम टू हैव थर्टीन हंड्रेड नीट्स ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस विच इज क्रेजी गुड विल यू नोटिस दट डिफरेंस इन रियल लाइफ अगेंस्ट वन प्लस नॉट टू एब्सोल्यूटली वन प्लस नॉट टू का ब्राइटनेस कम है एज कम्पेयर टू बोथ दिस डिवाइज बट इफ यू गो आउटडोर एंड व्यू द डिस्प्ले इफ यू स्टे इनडोर्स एंड व्यू द डिस्प्ले अनलेस एंटिल यू कीप दम साइड बाय साइड आई हाईली डाउट दैट समवन विल बी एबल टू से दट नहीं वन प्लस नॉट टू का डिस्प्ले इतना ब्राइट नहीं होता बट इफ यू आस्कस आई वॉज एबल टू नोटिस दैट वन प्लस नॉट टू इज डिस्प्ले ड नॉट गेट एज ब्राइट एज दीज टू डिवाइसेज गेट वन इट कम्स टू डिस्प्ले क्वालिटी ऑल दीज थ्री डिवाइस हैंगल्स नो इशूज ओवर एमुलेट पैनल है बट एमूलर पैनल भी मेजर डिफरेंस दिस प्लस इज ओनली एट नाइन हर्ट्स एंड दीज टू डिज वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी हर्ट्स मीन बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियस मिलेगा एंड दट चेंजेस योर परस्पेक्टिव वन यू आर यूज आई एम दन प्लस नॉट टू जैसे कि मैंने बोला सेवन एज वेल आई वज लाइक अरे यार ये या तो ज्यादा स्मूथ है बिकॉज वन ट्वेंटी हर्ट वाले डिवाइस स्मूथर लगते हैं एंड फील भी होता है इसके बाद बात करते हैं स्पीकर क्वालिटी के बारे में एंड दिस इज वेर वन प्लस नॉट टू भी लाइक अरे भाई मुझे इतना बोल रहा है इतना ले स्पीकर क्वालिटी सबसे बेस्ट है वन प्लस नॉट टू का नो डाउट्स व्हाट्स एवर मतलब कंपैरिजन ही नहीं है दोनों डिवाइसेस के साथ लाउडर है बेटर है वन प्लस नॉट टू एज कंपेयर टू आईको सेवन एंड जीटी नियो टू मैं तो बोलूंगा जीटी नियो टू स्टिल बेटर डिवाइस है एज कंपेयर टू आईको सेवन आईको सेवन आइको वाले मतलब क्या सोच रहे I did not get it, थे आई डिट नॉट गेट इट कि स्पीकर बनाते टाइम कि ऐसे ही डाल दो कुछ भी डाल दो जेनेरिक इतना अच्छा फोन बनाया स्पीकर थोड़ा सा बेटर डालते बहुत बढ़िया हो जाता है इन माई ओपिनियन बट जीटी नियो टू इज द सेकेंड आईको सेवन इज द लास्ट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज सॉफ्टवेयर फंट चॉयस ऑन द आईको सेवन इज प्रॉबेबली माई लीस्ट फेवरेट इवन दो द परफॉर्मेंस इज ग्रेट अबाउट विच विल टॉक इन अ मिनिट बट आईको सेवन का फंडा चॉइस है उसमें बहुत ज़्यादा एड्स का इस, मतलब बहुत सारे स्पैमी एप्लीकेशंस है नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू एनी ऑफ दीज टू फोन्स सेकेंड वन इज जीट इन योर टू इन माई ओपिनियन विच इज़ रियली ग्रेट रियल मी वैर टू पॉइंट जीरो हैज कम अ वेरी लॉन्ग वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है स्मूथ है स्नैपड्रैगन एट सेवेंटी एंड वन ट्वेंटी हर्ट्स के साथ तो बहुत बढ़िया दिखता है नाउ कम्स ऑक्सीजन प्लस कलर हो विच इज प्रेजेंट ऑन वन प्लस नॉट टू दी बेस्ट परफॉर्मेंस इन माई ओपिनियन इवन दो इसका परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में आपको बेस्ट रहेगा बट ये दोनों डिवाइस वन ट्वेंटी हर्ट्स एप्रिशिएट के साथ आते हैं बिकॉज ऑफ विच दे फील मच स्मूथर एंड दैट्स वाई आएम नॉट गोइंग टू से दट टू एट कम्स टू सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिकॉज यूर गु व्यू द डिस्प्ले एज वेल

इतना क्लीन नहीं है जितने ये दोनों फोन है बट इफ यू वॉन्ट टू यूज आईको सेवन इन डे टू डे लाइफ यूजेज नो इशूज व्हाट्स एवर मतलब आपको समझ में नहीं आएगा बट इट जस्ट दैट यू विल हैव टू डिसेबल नोटिफिकेशन कुछ एप्लीकेशन के नॉलेज अबाउट परफॉर्मेंस बिकॉज दैट्स वेर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट ऑन दीज थ्री डिवाइसेज डायमेंड सिटी ट्वेल्व हंड्रेड जो नॉट टू पे है विच इज नॉट एज पावरफुल एजन एट सेवेंटी बट इफ यू डू डे टू डे लाइफ यूजेज टास्क और इफ यू डू गेमिंग नॉट टू भाई इक्वली गुड परफॉर्म करता है एट सेवेंटी जितना डे टू डे पर जैसे कि मैंने बोला नॉट टू इज माई फेवरेट बट नाइंटी हर्ट्स है तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना चाहता सो नॉट टू एंड रियलमी यू आई ए टू पॉइंट जीरो विथ द रियलमी जीटीन यू टू विल बी माई फर्स्ट चॉइस देन आई कु सेवन बट परफॉर्मेंस वन आई ट्राइड दिसप्लीकेशन वॉज सरप्राइजिंग

On the second place was the GT Neo 2 with very good performance and with a disappointing performance OnePlus Nord 2 was third CPU throttling test me but that that is a benchmark actually I'm surprised that.

Again, ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है आई शुड नॉट से दिस तीनो इक्वली गुड है आईको सेवन विल बी माई फर्स्ट चॉइट जीटी नियो टू और वन प्लस नॉट टू में से आप कोई भी डिवाइस ले सकते हो दोनों भी आपको कॉन्टेंट सिक्सटी एफ पी एस का एक्सपीरियंस देंगे नाइनटी uh, एफपीएस का ऑप्शन बाई डिफॉल्ट अभी तक आया नहीं है बट वेनेेनवर दैट कम्स वी विल डेफिनेटली ट्राइंड मेकअ वीडियो ऑन दट चार्जिंग और बैटरी लाइफ का बात करने की जरूरत है आई डोंट फील लाइक वन डे ऑफ सिंगल यूजेज इज

कि दोनों फोन्स ने इतना अच्छा येल्लो नहीं दिखा, बट इसने इतना ज्यादा कर दिया कि मतलब कितना कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो तो इन माई ओपिनियन ऑल दिस थ्री द कैमरा परफॉर्मस मतलब इट इज गुड but it's not consistent on all these three devices but i would still say that iq7 is at the top then comes GT gtneo2 and oneplus not 2 is great but just because okay wait i will give second place to both GT gtneo2 and the oneplus not 2 and i guess that's much it for the comparison overall GT gtneo2 feels like a great choice and uh, it comes with great performance great gaming performance great camera setup good charging battery life everything now it all depends with offers and all ye kitne price pe aata iq7 kitne price pe and oneplus not 2 price pe so if this is the cheapest phone that you are getting in with all the offers then i feel like this is a great choice of smartphone if you still have any doubts you can ask them in the comments or you can tweet it to me at tech. so yeah thank you guys thank you for watching